Is a top 100 rank still feasible? This is a question which might be in the minds of many JEE 2023 aspirants. सुनने में लगता है कि अरे यार टॉप 100 रैंक है, IIT में सिलेक्शन होने के हमें चांस नहीं लग रहे हैं, और ये बता रहा है हमें कि टॉप 100 रैंक कैसे लेके आ जाए इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स, लेस देन अ ईयर, ये क्या बात हुई. ओके, तो इसी का हम डिस्कशन अच्छे से इस वीडियो में करेंगे. और अगर आप ऐसा सोचते हो जैसा मैंने बोला, आप गलत सोचते हो. यू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड यू ऑल्सो अंडर एस्टिमेट द टाइम यू हैव. एंड हम आज यही डिस्कशन करेंगे वीडियो में. शुरू करने से पहले यार, एक तो सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लें, मैं 2023 पे काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा. और हमारा एक क्रैश कोर्स भी चलता है, क्रैश कोर्स क्या, फुल कोर्स चलता है. क्रैश कोर्स तो थोड़े दिन बाद लॉन्च होगा, जे 2023 प्रिपरेशन के लिए. ओके, इस कोर्स पर आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है 18 तारीख तक, यानी कल तक. टुमारो इज द लास्ट डे टू गेट इट. इस कोर्स में आपको अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेक्चर, DPP, टेस्ट सीरीज, सब कुछ विद कंप्लीट सॉल्यूशन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस विल हेल्प यू क्लियर योर बैकलॉग्स वेरी फास्ट. और उसके बाद आप अपना पूरा जेई एडवांस लेवल तक का पढ़ाई भी कर सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड रैंक. ओके, दिस इज द इजिएस्ट वे टू कवर योर बैकलॉग्स एंड गेट अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, परचेज इट टिल टुमारो, उसके बाद इसकी रेट्स बढ़ जाएंगी. ओके, चलिए बात करते हैं यार कि सबसे पहली चीज कि टॉप 100 रैंक लाना क्या पॉसिबल भी है, या ऐसी हवा में बातें फेंक दी आपने वीडियो बनाने के लिए. तो यार, अगर अपन एक रियलिस्टिक एस्टिमेशन देखें, ठीक है, आपके एग्जाम का जो आगे आने वाला है, आपके पास अभी मोर देन 1 ईयर पोटेंशियली बचा हुआ है. क्या आप एक चीज़ रियलाइज करो, क्योंकि 2022 बैच का एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है एडवांस, राइट, उसमें अभी कुछ दिन बचे हैं. तो आपका एग्जाम भी काफ़ी चांसेस है, रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ, 1 ईयर प्लस बाद होगा जेई एडवांस्ड का. ठीक है, जेई एडवांस की बात हम कर रहे हैं. हाँ, जेई मेन भी देना है उसकी बात करेंगे, लेकिन हम टॉप 100 रैंक किसमें लाना चाह रहे हैं, जेई एडवांस में लाना चाह रहे हैं, राइट. उसमें मोर देन अ ईयर अभी बचा है अगर पिछला ट्रेंड फॉलो होता है. और चलो अगर पिछला ट्रेंड फॉलो नहीं भी होता है, ज़्यादा से कितना, 1 महीना पहले करा देंगे, तो भी आपके पास 11 मंथ से ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर आप कह सकते हो आपके पास बचा हुआ है. कई बच्चे जो IIT बॉम्बे CSE में आज मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन एज अ ड्रॉपर शुरू की थी, और ड्रॉपर से पहले उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल कचरा थी. ओके, ड्रॉपर से पहले उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल कचरा थी, और उन्होंने रैंक निकाली. कितनी रैंक निकाली? टॉप 100 में रैंक निकाली, टॉप 200 में रैंक निकाली, टॉप 500 में रैंक निकाली. ठीक है, ऑल्सो अपन जाते हैं आज से 20-30 साल पहले जाते हैं, ठीक है, 1990s में चलते हैं, नया 2000s में चलते हैं अर्ली. तब आपको क्या पता है कि 11th क्लास में तो जेई की प्रिपरेशन होती भी नहीं थी. आप अगर बहुत पहले जाएंगे तो पहले क्या होता था कि बच्चे क्लास 12th के साथ ही प्रिपरेशन करते थे, उसमें उनका 11th का 12th का दोनों का साथ में पढ़ाया जाता था, या फिर कोई बच्चा 12th कर लेता था फिर उसको ड्रॉप लेके ही जेई की प्रिपरेशन होती थी. 2 साल का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था. आज से 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब जेई ज़्यादा डिफिकल्ट होता था. तुम 2015 का पेपर बना लोगे, 1995 का पेपर जिस दिन तुमने बना लिया ना, उस दिन मैं तुम्हें मानूंगा कि हाँ, दिस स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट. उस समय जेई ज़्यादा हार्ड होता था, राइट, कॉम्पिटिशन उतना नहीं था एडमिटेडली जितना आज है, लेकिन उस समय पेपर तो हार्ड होता था ना, प्रिपरेशन तो अच्छी करनी पड़ती थी. तो तब बच्चे 1 साल में तैयारी करते थे. ये तो अब आया है कॉन्सेप्ट 11th और 12th का, अब हालांकि अब तो और 4 साल का हो गया कि 9th to 12th का, राइट. तो अब 10 साल बाद 9th to 12th में बच्चे पढ़ रहे होंगे, फिर बच्चे वीडियो क्या देखेंगे, आई वेस्टेड माई क्लास 9th, हाउ टू रिकवर बैकलॉग इन क्लास 10th. जबकि वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ साल पहले तो बच्चे 11th 12th में प्रिपरेशन शुरू करते थे. तो वैसे ही आप ये चीज़ रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आज से 20 साल पहले बच्चे 12th में ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करते थे, या एज अ ड्रॉपर ही करते थे, 1 साल में ही तैयारी करते थे. और आपके पास तो 1 साल बचा हुआ है पूरा, और आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं. ऐसा एक भी बच्चा इस वीडियो को देखने वाला नहीं हो सकता है जिसने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा. एटलीस्ट एक चैप्टर तो तुम्हें आता होगा, एटलीस्ट कोई फॉर्मूला तो तुम्हें याद होगा, एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो पता होंगी ना, एटलीस्ट अपना स्कूल एग्जाम के ही आता होगा, तो कुछ तो आता है ना आपको. आप बिल्कुल ऐसे खाली हाथ भी नहीं आए हो. वी हैव सम नॉलेज ऑफ क्लास 11th, एंड अगर पूरा 1 साल बचा है, सो आई डोंट सी कि आपके पास टाइम की तो कैसे कमी है. अब टाइम की कमी होती कैसे वो मैं बताता हूँ. टाइम की कमी होती है कि बच्चे डिस्ट्रैक्टेड बहुत चीज़ों से होते हैं, 100 तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं, तो यार कहाँ से टाइम मिलेगा. क्योंकि देखिए, इंसानी मस्तिष्क एक चीज़ पर ही ढंग से फोकस कर सकता है. आप उसको 500 चीज़ें दे दोगे कि ये भी करो, वो भी करो, दिस दैट सब कुछ करो, तो आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, यू विल हैव टू फोकस ऑन जस्ट 1 थिंग, और उसी को अपना गोल बनाना है, उसी को अपना लक्ष्य बनाना है, तभी आप जीतेंगे. अब आप बोलेंगे कि अरे यार, ये तो बहुत हार्श है, जेई प्रिपरेशन इज टॉक्सिक, जेई प्रिपरेशन इज किलिंग द क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स. तो मत दो एग्जाम. यूसेन बोल्ट 10 साल तक ट्रेनिंग की उसने, किस लिए, 10 सेकंड की रेस के लिए.
10 साल तक उस बंदे ने ट्रेनिंग करी, हर 4 साल में एक बार दौड़ता है वो। हाँ ठीक है, दूसरे कॉम्पिटिशन में दौड़ता है, लेकिन ओलंपिक्स में तो 4 साल में एक बार दौड़ता है ना। 10 सेकंड की रेस में डिटरमाइन होता है कि उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, सिल्वर मेडल मिलेगा या खाली हाथ घर जाएंगे। फिर भी उन्होंने प्रैक्टिस की, क्योंकि यूँ सोच सकते थे अरे यार ओलंपिक्स में क्रिएटिविटी किल हो रही है मेरी, ओलंपिक्स क्या देना, क्यों दिया? क्योंकि उसको अचीव करना था, उसके दिल में था कि यार मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है। रेस 10 सेकंड की है, कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड में जूता खुल गया, क्या कर लो, पूरे 10 साल की मेहनत खराब, 5 साल 4 साल जितने भी साल ट्रेनिंग कर रहे थे, राइट, ऑल ऑफ इट इज ओवर, इट्स डस्टेड, इट्स गॉन। बट वो फिर भी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर है कि यार मुझे करना है, मुझे ओलंपिक में मेडल निकालना है। और आपके तो फिर भी हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करा रहे, आपको तो हम नॉर्मल अपनी 11th 12th की पढ़ाई को ही थोड़ा सा उबा उठा के पढ़ा रहे हैं। भाई आप जेई प्रिपरेशन नहीं भी करोगे, आपके स्कूल एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, या स्कूल भी फेल होकर आओगे घर पर? स्कूल के लिए तो पढ़ोगे ना, साइंस लिया तुमने, कुछ सोच समझ के लिए होगी या साइंस लेनी है मुझे, तो स्कूल का एग्जाम पढ़ना है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको जेई। अगर आपका आप देखेंगे NCERT या करिकुलम, इट इज़ नॉट कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जेई से, जेई मेन के अंदर तो सेम ही चीज़ें आती हैं, और जेई एडवांस थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है उससे। वही तो करना है आपको, हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने को थोड़ी कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि यार आप 50 किलो वजन उठा के बताओ, हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि यार आप तो यार डिस्कस थ्रो करके बताओ, या हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि यार आप तो उलट पलट वाली वो क्या कहते हैं उसको, ऐसे घूम जाते हैं ना कार्टवील वो करके बताओ, ऐसा कुछ थोड़ी कह रहे हैं। सिंपल चीज़ है, पढ़ाई करनी है, राइट। और यूसेन बोल्ट आप तभी बनोगे जब आप सब चीज़ छोड़ के 5 साल केवल रनिंग पे ध्यान दोगे। आप 10-12 चीज़ों पे और ध्यान दोगे तो आप नहीं बनने वाले यूसेन बोल्ट, फिर आप कोई नॉर्मल इधर उधर का एथलीट बन जाओगे जो पार्ट टाइम खेलता है, जिसको कोई नहीं जानता है। तो या तो खेलो ही मत, या तो छोड़ो प्रिपरेशन, बोलो कि पापा को यार मैं नहीं कर रहा तैयारी, मेरे को कुछ और करा दो, करा देंगे कई लोगों के पेरेंट्स। लेकिन अगर तुम्हें करना है IIT अंदर से है, और पहली बात तुम्हें सब्सक्राइब इस चैनल को तभी करना है, ठीक है, जिन बच्चों को टाइम पास दिखता है चाहिए वो सब्सक्राइब ना करें, अनसब्सक्राइब कर ले, केवल सीरियस स्टूडेंट्स के लिए चैनल बनाए। लेकिन अगर आपके मन में है कि आप नहीं मुझे तो IIT जाना है, तो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जितनी भी आपके और पैशन है 2 साल के लिए 1 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। IIT में जाओगे तो तुम्हें टाइम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आपको एंटरटेनमेंट का टाइम भी मिलेगा, गेमिंग का टाइम भी मिलेगा, घूमने घामने का टाइम भी मिलेगा, फ्रेंडशिप्स का टाइम भी मिलेगा, सब कुछ का टाइम मिलेगा। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें अभी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये डालो कि डिस्ट्रैक्शन हम जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम नहीं बनने वाले हैं फर्स्ट पोजीशन। हाँ थर्ड फोर्थ कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको 10 सेकंड के अंदर रेस खत्म करनी है तो आपको एफर्ट उतनी डालनी भी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड जो मैं एडवाइस आपको करूंगा, आपको अपना एक रूटीन प्रॉपर करना पड़ेगा। कई बच्चों की आदत ये होती है कि उनका कोई फिक्स पढ़ने का कुछ होता नहीं है तरीका, कभी भी उठेंगे कभी भी सोएंगे, जब मर्जी पड़ी किताब उठा ली, जब मर्जी पड़ा बाहर निकल गए, कुछ भी रैंडम टाइम पे कुछ भी चल रहा है। देखिए ये चीज़ हर्टफुल है ना, तो आप इससे आपकी बॉडी भी हर्ट होती है पहली बात, अभी आप छोटे हैं इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, बाद में इनके रिपरकशंस आते हैं, ठीक है। कई लोगों को डिजीजेस हो जाते हैं अगर उनकी प्रॉपर शेड्यूल नहीं होती है, हर किसी टाइम पे सो रहे हैं, हर किसी टाइम पे खा रहे हैं, हर किसी टाइम पर उठ रहे हैं, दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू, राइट। तो शेड्यूल अपने प्रॉपर होना चाहिए कि इतनी बजे ही उठना है, इतनी बजे ही सोना है, इतनी बजे ही पढ़ना है, भले किसी का भी कॉल आ जाए, आप पेरेंट्स का हो तो उठा लेना अगर हॉस्टल में रहते हो तो, इतनी बजे ही उठना है, इतनी बजे ही पढ़ना है, इतनी बजे ही खाना खाना है, एकदम प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। एथलीट्स का रूटीन देखा है तुमने, कई लोग, पता है मैं एथलीट्स की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि ना कई लोग, अगर कोई बच्चा जेई एस्पिरेंट प्रिपरेशन करके अगर सेलेक्ट हो जाता है ना IIT में, उसको क्या बोलते हैं, अरे ये तो नर्ड है, अरे इसने तो अपनी बचपन बिगाड़ दी। लेकिन अगर वही काम कोई क्रिकेटर कर दे तो बोलते हैं हाउ इंस्पिरेशन भाई, इसने अपने बचपन में भी ट्रेनिंग करी। तो ये एटीट्यूड मुझे थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड लगता है, इसलिए मैं थोड़े ये बात दिमाग में थी, मुझे कहनी थी कभी ना कभी। तो एथलीट्स को ऑब्जर्व करो, मैं स्टूडेंट्स के एग्जांपल दे सकता हूँ कि एथलीट्स का दूंगा फॉर दिस रीजन, तुम लोग रिलेट ज़्यादा करते हो, तुम्हें उनकी कहानियाँ इंस्पायरिंग लगती है। बच्चों की दूंगा तो तुम बोलोगे अरे यार इसने तो अपनी पढ़ाई में बचपन बिगाड़ दिया, उसने भी तो क्रिकेट में अपना बचपन बिगाड़ दिया, लेकिन वो बिगाड़ा नहीं है, उसने अपना एफर्ट इन्वेस्ट किया है, बचपन इन्वेस्ट किया है, बिगाड़ा नहीं है। तो आप देखिए एथलीट्स को बचपन से उनका शेड्यूल फिक्स होता है कि अरे इतनी बजे उठना है, इतनी बजे ट्रेनिंग पर जाना है, इतनी बजे इतना ही खाना है, फिर जिम में अलग सेशन चलते हैं उनके, टीम्स के साथ सेशन अलग चलते हैं, उनकी ट्रेनिंग के खुद के सेशंस अलग चलते हैं, राइट। तो इनका रूटीन है कि नहीं है? रूटीन है तभी सक्सेस मिलती है। तो वैसे ही आपको भी अपना रूटीन प्रॉपर बनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे ही प्रिपरेशन निकल जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आप अगर ये दोनों चीज़ें कर लेते हो, डिस्ट्रैक्शन कम करना और रूटीन बनाना, आपके पास अपना टाइम ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। सच में तुम गिनना, कई लोग अपने फ़ोन पर 4-5 घंटे डेली का बिताते हैं, वो 4-5 घंटे अगर तुमने पूरी तरह से कट कर दिए, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं था तैयारी में, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं था, ठीक है। आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस देखनी तो पापा मम्मी के फ़ोन से देखो ना यार, कौन रुक रहा है आपको। तो 4-5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई में ऐड करोगे तो डबल ही हो रहा है टाइम तुम्हारा, राइट, डबल हो रहा है सीधा।
तो डू दैट। एक और जो एडवाइस नहीं तो रहेगी थर्ड एंड लास्ट, वो ये रहेगी कि यार अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बेस्ड रखो और थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करो क्वेश्चंस को, ठीक है। कई लोगों की प्रॉब्लम मैंने ये देखी है, टॉप 100 वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो उनमें ये दोनों क्वालिटीज़ तो होती हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन फ्री रहते हैं और अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉपर शेड्यूल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो एक चीज़ और करते हैं कि उनकी जो पूरी प्रिपरेशन होती है सब चीज़ों में, वो वाई बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यार ये चीज़ क्यों हो रही है, ऐसे ही क्यों किया, ऐसा तरीके से क्यों नहीं किया, क्योंकि आप कहाँ पे सही हो उससे ठीक है, लेकिन आप कहाँ पे गलत हो वो जानने से आप ज़्यादा सीखते हो, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन जैसे है फिजिक्स में, उसमें आप पूछोगे कि अरे यार यहाँ पे अपन कंजर्वेशन ऑफ नहीं, यहाँ पे अपन वो क्यों नहीं लगा सकते वर्क एनर्जी थ्योरम, तो लिमिटेशन आती कई जगह पर, नहीं लगता सिंपल। या फिर ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव क्यों नहीं है, पूछो सर से कि क्यों नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं लिमिटेशंस पता चलती हैं थ्योरीज़ की, आपको पता चलता है ये चीज़ क्यों नहीं लग सकती है। मैथ्स में कोई फॉर्मूला है उसमें इस तरह से क्यों नहीं हो सकता है, पता चलेगा कि अरे यार लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको पता चलेंगी धीरे धीरे अगर आप टाइम दोगे, वाई पूछोगे, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करोगे तो ही आपको ये चीज़ें क्लियर होती है, वरना आप केवल रटनबाजी में रह जाते हो, ओके। और एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रिपरेशन रखनी है आपको, डेली का टारगेट रखना है कि मैं 100-150 मिनिमम क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे भी हो, होमवर्क से हो, DPP से हो, आपकी खुद की कोई बुक से हो, जैसे भी हो, ठीक है। मेक श्योर कि आप कुछ क्वेश्चंस डेली के मिनिमम प्रैक्टिस कर रहे हो और इतना दृढ़ निश्चय कर लो कि आज कुछ भी हो जाए, बर्थडे भी हो मेरा, मैं मिनिमम लेट से 100 या 150 जितना भी आपका इनिशियली हो पाता है उतने क्वेश्चंस मुझे मिनिमम सॉल्व करने हैं अक्रॉस ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब मिला के। तो इस तरह से आप सिस्टमेटिक चलोगे ना टारगेट सेट करके इनपुट के, आउटपुट तो देखो वो तो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन आपका इनपुट तो फिक्स कर लो ना एक बार कि यार रूटीन अपना फिक्स कर लो, टाइम कितना देना है वो फिक्स कर लो डिस्ट्रैक्शंस कट करके, और क्वेश्चंस की एक कैप कर दो, मिनिमम कैप कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे डेली करने हैं। आपको खुद दिखेगा इंप्रूवमेंट, टॉप 100 में शायद हर बच्चा ऑब्वियसली नहीं आएगा, लेकिन तुम 1000 में आ जाओगे, 10,000 में आ जाओगे, तुमने जितना लगता था उससे बेटर जगह आ जाओगे, ठीक है। एंड अगर आपको ये प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट करनी है और ज़्यादा बेटर करनी है तो आप हमारे JEE 2023 अल्टीमेट कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पर भी बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है टिल आपकी 18th of August यानी कल तक ही, ओके। उसके बाद ये प्राइसेस वगैरह बढ़ जाएंगी, फिर मत बोलना कि भैया यार आपने प्राइस बढ़ा दी, आप डिस्काउंट नहीं रखते हो, रखा है, प्लीज़ अभी यूज़ करें। इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें JEE प्रिपरेशन के लिए चाहिए, स्पेशली अपनी बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए, उसमें स्पेशल लेक्चर्स हैं जो बैकलॉग के लिए ही बने हैं, जो मैंने खुद डिलीवर किया, ठीक है। तो तुम्हारी सारी बैकलॉग्स बहुत फटाफट क्लियर होंगी, फिर तुम्हें इन डेप्थ पढ़ना है उसका भी पूरा अच्छे से सब हमने कंटेंट दिया हुआ है, जिसमें आप इन डेप्थ तीनों सब्जेक्ट्स JEE एडवांस लेवल तक पढ़ सकते हो, टेस्ट सीरीज, DPP सब कुछ मिलेगा, उसमें तुम्हें सॉल्यूशंस वगैरह भी हर चीज़ के मिलेंगे, तो डाउट वाउट भी तुम्हारे उससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी ऑफर है, अभी आप उसको क्लेम कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी अगर आप इस कोर्स को पूरी सच्ची निष्ठा से पढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर इंक्लूडिंग थिंग्स आई सेड इन दिस वीडियो, आपका IIT में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे उस कंटेंट और आप पे, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे सोशल्स वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कोर्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा 18 अगस्त या उससे पहले पहले लीजिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक।